बहुत ही ज्यादा काटने वाला सांप है, इसे किलबैक स्नेक भी कहते हैं। काफी मोटा सांप है। YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं उमेश खान और आज का स्नेक रेस्क्यू कॉल शॉप में देखिए वार्ड नंबर 10 में गांधी आश्रम की कॉलोनी है, यहाँ से आया हुआ है और और इसमें सांप देखा गया है। दिख रहा जूम करना जैसा कि आप कह सकते हैं यहाँ पर पानी में बैठा हुआ है, इंडियन वाटर स्नेक है जिसे हिंदी में बैंड में साफ कहते हैं। वैसे तो पानी का लग रहा है लेकिन बाहर निकालने के बाद पता तो चलेगा ये सांप कौन सा है। पानी में घुसा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा काटने वाला सांप है, जिसे किलबैक स्नेक भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं डेंडू सांप और इंग्लिश में इसे कहते हैं सीक्रेट किलबैक स्नेक। सभी सांपों से ज़्यादा काटने वाला सांप पहले चले ऐसे लेकर ये बहुत ज्यादा काटने वाला सांप है। और ये सांप जो है सबसे ज्यादा काटने वाला सांप है, जितने भी इंडिया में जो सांप है ना उनसे सबसे ज्यादा काटता है। देखो काटने की इसकी फुर्ती बहुत ही लगती है। और मैं आपको बता दूं ये सांप जो है ये बिना जहरीला अगर ये किसी को काट दे करने का जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में जाओ और टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं श्योपुर जिले के आसपास के गाँव में किसी के यहाँ अगर सांप निकला है, सांप छोटा हो या बड़ा हो, सांपों को मारे नहीं बचाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सूचना कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे बेसुरा चीज़ों को पकड़ कर ले जाते हैं और पर्यावरण के सुरक्षित माहौल में जंगल में ले जाकर करते हैं। और जय की निगरानी चलिए दोस्तों इसे अब पैक कर लेते हैं इंडियन वाटर स्नेक को और ले जाएंगे इसे पर्यावरण के सुरक्षित माहौल में जंगल में ले जाकर इसे छोड़ देंगे ताकि अपनी जिंदगी आसानी से गुजर सके। पानी वाला सांप पानी की जगह देखकर को हमले कर देंगे। के गांधी आश्रम के पास वार्ड नंबर 10 में से हम ये सांप को पकड़ कर लाए हैं। पानी का सांप है और इसे जंगल यानी कि ये नहर है और इंडियन वाटर स्नेक के नहर में इसे रिलीज कर देते हैं ताकि अपनी जिंदगी आसानी से जी सके। दोस्तों ये पानी में चला जाएगा ये साथ इंडियन वाटर स्नेक और पास चले गए। जूम कर लो जूम कर लो चला गया है ये पानी में, देखिए कितनी आसानी से ये गया है। और मिलेंगे दोस्तों इसी तरह बेजुबान जीवों को बचाते हुए लोगों की मदद करते हुए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ऐसे सांपों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें।